सवाल से सामने आ रही है, जहां चुनावी साल में अलग अलग समाजों का शक्ति प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में आज ब्राह्मण समाज हुंकार भरेगा। जम्बूरी मैदान में हजारों ब्राह्मण को जुटाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। एमपी में ब्राह्मण आयोग के गठन की प्रमुख मांग, अपनी 11 सूत्रीय मांग को सरकार के सामने रखेंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष के ब्राह्मण नेताओं को शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई अमृतांशी, आज ब्राह्मण समाज जो है भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुंकार भरेगा, ऐसी क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा समाज की ओर से? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है चुनावी साल है, तो अलग अलग जो समाज हैं वो पूरी तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार राजधानी भोपाल में इस तरह के समाज हुंकार भर रहे हैं और आज राजधानी में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को आने का न्योता दिया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे ब्राह्मण महाकुंभ में 1 बजे शामिल होने के लिए पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर सरकार के सामने ब्राह्मण महाकुंभ कई मांगे ते हुए नजर आएगा, जैसे कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया जाए, ब्राह्मणों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि कई ऐसे जो है मांगे हैं, 11 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर आज ब्राह्मण महाकुंभ हुंकार भरेगा। ब्राह्मण आयोग का भी यहाँ पर गठन किया जाने की बात की जा रही है। कई बार हमने देखा है कि जो संत पुजारी होते हैं, महाराज होते हैं, उन पर जो है अनर्गल टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जाती है, गलत बातें फैलाई जाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर यहाँ पर ब्राह्मण समाज जो है अपनी मांगे सरकार के सामने रखता हुआ नजर आने वाला है। ये भी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं ब्राह्मण समाज के लिए। हालांकि जब पिछली बार परशुराम जयंती हुई थी तभी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की थी ब्राह्मण समाज के लिए, तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी इसलिए हो जाता है। लेकिन हजारों ब्राह्मण आज महाकुंभ में जुटने वाले हैं। आदि शंकराचार्य भी हो सकता है कि इस पूरे महाकुंभ में शामिल होने के लिए आज राजधानी भोपाल पहुंचे, तो एक बड़ा समाज का सम्मेलन है। अभी देखना होगा कि फिलहाल ब्राह्मण समाज की जो 11 सूत्रीय मांगे हैं वो कितनी पूरी की जाती है, कितनी सरकार की तरफ से मानी जाती है, इसके अलावा मुख्यमंत्री क्या कुछ बड़ी घोषणाएं करते हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो हैं वो